कलर्स का सबसे कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस 13 को आने में अब बस कुछ ही दिन रह गए हैं। जैसे जैसे शो की रिलीज डेट नजदीक आ रही है, वैसे वैसे लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ते जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं, ये शो बीते सीजन से बिल्कुल ऑपोजिट होगा, क्योंकि इस बार शो में सिर्फ सेलिब्रिटीज ही नजर आएंगे। वहीं शो के कई प्रोमोज भी रिलीज किए जा चुके हैं। पहले प्रोमो में सलमान खान स्टेशन मास्टर के रोल में नजर आए थे, जिन्होंने नए सीजन के बारे में कुछ दिलचस्प बातों को बताया। बता दें कि शो में आने के लिए काफी वक्त से टीवी एक्ट्रेस रिधि दोगरा का नाम सामने आ रहा था, लेकिन खबरों की माने तो रिधि दोगरा ने शो का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि रिधि दोगरा ने शो में आने के लिए मना कर दिया। हालांकि इसके पीछे की वजह अभी तक सामने नहीं आई है कि आखिर उन्होंने किस कारण से अपना मन बदला है। वैसे आपको बता दें कि शो से किनारा करने वाली रिधि दोगरा अकेली नहीं है, उनके अलावा भी कई स्टार्स ने शो में आने से मना कर दिया है। हाल ही में हमने आपको बताया था कि स्टार प्लस के शो विदाई में नजर आ चुके अंगद हसीजा को भी इस शो के लिए ऑफर किया गया था, लेकिन बाद में खबरें आने लगी कि उन्होंने शो का हिस्सा बनने से मना कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि ये शो उनके लिए नहीं बना है। इनके अलावा तेजस्वी प्रकाश और हिमांश कोहली जैसे नाम भी शामिल हैं। वहीं राजपाल यादव, चंकी पांडे, देवोलीना भट्टाचार्य, अंकिता लोखंडे, मेघना मलिक जैसे कई स्टार्स की एंट्री को लेकर फिलहाल सस्पेंस बरकरार है। वेल तो शो से जुड़ी कई बातें सामने आ चुकी हैं। बीते दिनों ही हमने आपको बताया था कि शो में एंट्री लेने के लिए कंटेस्टेंट्स को एक टास्क परफॉर्म करना होगा, उसके बाद ही शो में उनकी एंट्री होगी। बता दें कि ये शो 29 सितंबर से ऑन एयर होगा, जिसकी जानकारी ट्विटर के जरिए दी गई है। वैसे आप बिग बॉस के 13वें सीजन को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। No, it's nothing. It's just, I don't even know how that news is. Like, I don't know who said what to who. So, I've just not said anything. There's no yes, there's no no. I'm very much out in the open going about life. And I don't know. I can't really say anything because I've not given that news out. So, I don't know. But if you get a chance to get inside Big Boss house, are you ready to, like, It's very scary. It's a very scary thought, and it's something which I will have to really, 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 really sit and think about. I don't know. I honestly don't know. Like, if I were to ask you this question, what would you say? You would also say, maybe, maybe not. So this time it's only celebrity, right? So you can think about it. There's no commoner this time. Okay, I'll think about it. मैं रक्षाबंधन पे यही कहना चाहूँगी दैट टू ऑल द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैव लॉट्स ऑफ फन एंड बी देयर फॉर ईच अदर। आई थिंक सिबलिंग्स आर टाइज दैट यू नो टेक अस, वो जो होता है ना, लाइक आप कितने भी बड़े हो जाएं, दैट्स योर सिबलिंग इज दैट वन टाई दैट बॉन्ड दैट रूट दैट विल ऑलवेज ऑलवेज कीप यू ग्राउंडेड एंड दैट मेक्स सो मच डिफरेंस टू लाइफ, स्पेशली इन टूडेज टाइम एंड लाइफ इज जस्ट अबाउट रनिंग अबाउट टाउन एंड एवरी थिंग इज सो फास्ट पेस्ड। सो या कीप योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स क्लोज टू यू एंड चेरिश दैट बॉन्ड। आई डोंट थिंक दिस एनीथिंग स्पेशल दैन दैट बॉन्ड। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम।
I have two more questions. One for Nadia. Only? Nadia, what are your plans, in this season for Happy Fizz? Now also, more so because Salman is also the brand ambassador for your brand. And Mr. Khan, one for you. You've been associated with Big Boss for a very long time, 9 consecutive years as we heard. So how do you think has that helped your brand value, and how has your brand value helped Big Boss and Colors? If you can just say something. So the answer to that question is, I really don't know. Seriously, I really don't know. Okay, how has Big Boss helped my brand, or how I have helped Big Boss? I don't know. Just वो एक तालमेल अच्छी हो गई है एंड यू नो पीपल सी मी एज द होस्ट इन बिग बॉस एंड दे सो फार कांट सी एनीबडी अपार्ट फ्रॉम मी बट फॉर फारा खान सो इट्स बीन गुड फॉर मी सलमान बिकॉज़ फारा डिड दैट वन थिंग ना एंड संजू आल्सो एक्सटेंशन शी डिड द एक्सटेंशन अच्छा व्हेन फारा डिड द एक्सटेंशन द टीआरपीज वर हायर देन माइन ना बाय द वे I mean, I'm not shocked with that. By the way, she's in Goa today. Yeah, she's here. Salman, आपकी और शाहरुख की जोड़ी बहुत पसंद की जाती है जब जितनी भी फिल्मों में आपने काम किया या फिर अपीयरेंस में भी रहे हम दोनों आप दोनों को हम लोग कब फिर से एक साथ देखेंगे बड़े पर्दे पे जोड़ी के रूप में अभी तो बहुत जल्दी देख लोगे एक साथ में और फिर वापस से थोड़ी देर में वापस से फिल्म फिल्म के बारे में अगर सलमान बताए फिल्में भी देख ही लोगे अगर कुछ अच्छा स्क्रिप्ट आया हमारे पास तो वी डेफिनेटली वर्क अभी ट्यूबलाइट में ही वाज यू नो रियली जेनरस एंड ही डिड अ गेस्ट अपीयरेंस इन ट्यूबलाइट फॉर अस एंड देखोगे ना भी जीरो में मुझे समरी राइट हियर वंस या हाय सलमान जी मेरा प्रश्न आपसे इधर इस साइड जी जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये बिग बॉस में हमेशा ही लड़कियाँ बहुत तेज तर्रार दिखाई जाती है और वो अच्छा भी लगता है देखने में मज़ेदार और आजकल लड़कियां हर फील्ड में बहुत आगे आ रही हैं आप अपने से पुराने किस एक्ट्रेसेस से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और क्यों कैसे किस तरीके से पुरानी हीरोइन को आप अपना सो लड़कियां आगे आ रही हैं बल्कि बहुत आगे आ रही हैं और बहुत ज़्यादा साथ में ही मेरे लेफ्ट में और मेरे राइट में दो बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही होनहार महिलाएं हैं मेरे साथ और इंडिपेंडेंट हैं फाइनेंशियली एज वेल एज इमोशनली इंडिपेंडेंट हैं एंड या दुनिया उस रास्ते पे चल ही रहा है अब देखो आप लोगों ने सब मर्दों को किचन में डाल दिया सो दे आर रियली पावरफुल इसे हमको इतना जल्दी इतना फास्ट ओवरटेक ना करे एक दरख्वास्त बस और पुरानी कौन सी एक्ट्रेसेस से आप बहुत प्रभावित हैं मैं मुझे हेमा जी बहुत अच्छी लगती मुझे रेखा जी बहुत अच्छी लगती मुझे उनसे पहले नूतन जी बहुत अच्छी लगती थी मुझे मुमताज जी बहुत ही अच्छी लगती हैं मुझे मधुबाला जी बहुत अच्छी लगती हैं सो वैदा जी से हमारे बहुत गहरे संबंध भी हैं क्योंकि हमारे नेबर हैं और वी ग्रोन अप इन फ्रंट ऑफ हर तो एक स्पेशल यू नो फिर शम्मी आंटी फिर आशा आंटी नंदा आंटी तो या और वन लास्ट क्वेश्चन एंड देन वी आर रेडी फॉर द फोटो ऑप थैंक यू एवरीवन सलमान सलमान जी मैं आई एम सॉरी दिस जेंटलमैन आपने पूछ लिया इनको कब से पूछना है प्लीज आस्क सलमान हार्टेस्ट कांग्रेचुलेशन एक्सक्यूज मी मैम एक सेकंड सलमान जी वी हैव ग्रोन अप वाचिंग थ्री खान्स सलमान खान शाहरुख खान एंड आमिर खान No, sir, before that you were growing up on Kader Khan. yeah, you are right, sir. You are right. Ajay Khan. Yeah, correct. But hum chahte hai ke Salman, Amir aur Shahrukh Khan milke Hamare Upar Anthony ki remake kare. Any chances? Chalo. Sir, ye sawal kisne pucha tha haath upar karne se mujhe samajh mein nahi aa raha. Sir, main aapse haath mila lu sir ek baar.